हमारे युवा हैं जो इस देश का भविष्य है, उनके लिए मेरा बहुत छोटा सा मैसेज है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ मैं उन मुद्दों पर बात करूंगा। दो या तीन ही टॉपिक है मेरे पास जिनसे शायद आपको आपके भविष्य की एक ऐसी राह मिल सके जिसमें आप बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं। एक मुकाम पर पहुंचने के बाद कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आपका इतिहास क्या था। एक मुकाम पर पहुंचने के बाद लोग सिर्फ आपकी अचीवमेंट्स को याद रखते हैं, वो सिर्फ आपके आइडियोलॉजी को याद रखते हैं, आपके बताए हुए मार्गदर्शन को याद रखते हैं और आपको ही अपना आइडियल मान लेते हैं। आप क्या हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या भविष्य में करेंगे, ये सिर्फ एक बात पर निर्भर करता है कि आपकी बुनियाद कितनी मजबूत है। आप भविष्य के बारे में सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उस भविष्य के लिए आज क्या कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको लगता है कि आपके लिए कोई टारगेट है, तो उस टारगेट को अचीव करने के पीछे आप कर क्या रहे हैं? क्या आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप अपने लिए कोई ड्रीम जॉब सोच रहे हैं? तो क्या उसके लिए आप सिर्फ ट्रेडिशनल तरीकों को फॉलो कर रहे हैं या उन तरीकों को फॉलो कर रहे हैं जिन तरीकों से आने वाले बदलाव में आप अपने आप को सिलेक्ट करवा सकते हैं? बहुत जरूरी होता है किसी भी तैयारी के पीछे उसकी प्लानिंग। आप सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके किसी भी तैयारी को करते रहेंगे तो सफलता शायद आपको ना मिले, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि इस सफलता के पीछे की प्लानिंग क्या है और यहाँ पर सफल होने के लिए जो लोग उस पेपर को बना रहे हैं या वहां तक हमें पहुंचना है तो उसके पीछे के हमारे स्टेप्स क्या हैं, तो आप सबसे पहले पहला कदम रखिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, धीरे धीरे आप उसके करीब पहुंच जाएंगे। और अपने लिए टाइमलाइन जरूर डिसाइड करिए। वो टाइमलाइन जरूरी नहीं होता कि किसी को सफलता एक ही बार के अटेम्प्ट में मिल गई तो आपको लगता है कि मुझे नहीं मिल सकती। टाइमलाइन सबके लिए डिसाइडेड है। अगर किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में मिलती है तो किसी को लास्ट अटेम्प्ट में मिलती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपना प्रयास करना छोड़ दें। तो मैं बस आपसे अपनी बात को यही विराम दूंगा, क्योंकि बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जो आपको बहुत सारे टिप्स देंगे जिनसे आपके भविष्य के लिए बहुत सारे लाइक सफलता के फॉर्मूलेज आपके पास आज पहुंच जाएंगे। अगर मेरी पर्सनल एक जो तैयारी के जो माध्यम रहे हैं, मैंने जिस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया उसके पीछे फ्यूचर का टारगेट था और प्रेजेंट की प्लानिंग थी, और प्रेजेंट में मेरे सारे स्टेप्स उस टारगेट की तरफ ही केंद्रित होते थे, भटकाव नहीं होता था, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू कोई भी मिलने वाली इंफॉर्मेशन हो, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हो या आसपास के लोग बोलने वाले जितने भी हो कि नहीं ये बहुत कठिन है, मेरा टारगेट सिर्फ एक सीट पर रहता था, अगर वो सीट है तो वो मेरे लिए। ये तो बात होगी जब आप गवर्नमेंट के जॉब्स की बात करते हैं, लेकिन मुझे उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है वो सेक्टर जिस सेक्टर में आप हजारों लोगों को नौकरियां दे सकते हैं। आप अगर एक जॉब करते हैं तो अपने लिए करते हैं, लेकिन अगर आपने एक एस्टैब्लिशमेंट कर दिया, अगर आपके माध्यम से किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई जिसमें आप हजारों लोगों को नौकरी दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि वो चीज सबसे बड़ी होती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम ऐसे ही चलते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पर सरकारी नौकरियों की बात कम होगी और यहाँ पर उन लोगों के टाइटल्स इस तरीके से डिसाइड होंगे। नंबर वन, इन्होंने 5,000 नौकरियां समाज को दी। नंबर टू, इन्होंने 10,000 नौकरियां समाज को दी। वो मुझे लगता है समाज का असली मतलब है।